नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ कानना न्यूज। मैं हूं नीरज कुमार प्रजापति। आइए दिखाते हैं आजमगढ़ की ताज़ा खबरें और हमारे सरायमीर क्षेत्र का ये गणेश बिंद का कुछ मामला है। आइए दिखाते हैं। उनका कहना है कि हमारे परिवार वालों को के ऊपर अपहरण का केस लगाया गया है। आइए सुनवाते हैं उन्हीं के मुँह से क्या कह रहे हैं गणेश बिंद। क्या मामला है सर? सर, हमारा ये मामला है कि दुबरा बाजार रसूलपुर गांव में हमारी शादी हुई थी बड़ी धूमधाम, और हमारी औरत का नाम है सुमन बिंद, हमारा नाम है गणेश कुमार बिंद, और हम अपनी पत्नी को वहां से विदाई करा के लेके आ रहे थे। साथ में हमारे चचेरा भाई विनय था और हम थे, और वो हमारे दो बच्चे थे मनीष और ऋतिक थे, और उसके साथ में बैग भी था, उसमें कपड़ा और सामान भरा हुआ था। तो हमारी औरत बोली कि तुम लोग बाइक से चलो, हम ऑटो रिक्शे से चलती हैं घर पे। हम लोग बोले ठीक है भाई, बच्चे लोग हैं दो और बैग है, चलो ठीक है, हम लोग बाइक जाते। तो हम लोग आगे रिक्शा था और पीछे बाइक से आ रहे थे, अचानक में हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, और पेट्रोल जब खत्म हो गया तो हम लोग भराने लगे। बस उसी के बीच में वो किधर चली गई, गालिब के साथ में फाट गया। गालिब के पिता का नाम? गालिब के पिता का नाम है अकरम धोबी, और उसके बाबा का नाम है सुफेल धोबी। कहाँ कराने वाले हैं वो? राजापुर सिकरौल के रहने वाले हैं। आपका नाम? हमारा नाम गणेश बिंद। पिता का नाम है जिनको सरगी। आपने कहाँ कहाँ पे कार्रवाई की है? हमने आजमगढ़ और ये पूरा देख लीजिए, और आजमगढ़। आपने एप्लीकेशन कहाँ कहाँ दिया है सर? हम सरायमीर थाने पे दिया है दो बार, और एक बार माननीय आईजी महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ दिया है जी, और महिला आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश में दिया है जी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ में दिया जी, और श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जनपद आजमगढ़ में दिया है। और इसके परिवार से आपको क्या धमकी आ रही है? गालिब के परिवार से धमकी यही आ रही है कि हमको किडनैप में लगाया जा रहा है, हमारा खुद का बच्चा और औरत और परिवार पूरा खुद को ही गुल हो गए, तो हम साथ में उसको ढूंढ रहे थे, तो हम कहाँ किडनैप किए हैं? हम तो पूरी दुनिया में खुद ये प्रचार कर रहे कि हमारे बच्चे को कोई लाके और किसी सरकारी वहाँ पे थाने पे या कहीं इकट्ठा कर ले, सुरक्षित रहे हमारे बच्चे लोग और हमको मिल जाए, तो हम किडनैप कहाँ गालिब को कर लिए? गालिब तो खुद हमारी बीबी को लेकर भागा है, और वो गालिब अभी तक जब से वो गुल हुई अभी तक घर पे वो भी नहीं है, उसका मोबाइल बंद है, हमारी औरत का भी बंद है। तो गालिब अगर नहीं ऐसा किया है तो गालिब घर पे रहना चाहिए, या उसको कोई बुलाए कि गालिब है तो वो आना चाहिए सामने, या कोई अधिकारी या कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रशासन उनको बुलाए कि वहाँ आए, तो हम समझे कि यहाँ गालिब नहीं गया है, क्योंकि यहाँ दुनिया।